टैडी ने खुदकुशी कर ली। हम लोग उसको प्यार से टैडी बियर बोलते थे। वो सबसे मजाक करता रहता था, बहुत खुश दिल मजाज लड़का था वो, बहुत नौटंकी था वो। मैं हूँ ना जिससे टैडी की शादी हुई थी, वो लड़की बहुत अमीर थी। टैडी की वाइफ 2 महीने से प्रेग्नेंट है, उसको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। बाप रे। दोस्तों, आप लोगों ने कभी धुन देखी है? हमारे पंजाब में तो बहुत होती है, इसे कोहरा भी कहते हैं। कई बार ये धुन इतनी ज्यादा होती है कि 2 मीटर की दूरी पर क्या है नजर में नहीं आता। आज का किस्सा ऐसी गहरी धुंध के ही समान है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50/50 ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज का जो किस्सा है, आपको पता है अपना स्टाइल क्या है, दाल भी साफ करनी है, किस्सा भी करना है, तो मैं अपना किस्सा जारी करती हूँ, आपके आगे पेश करती हूँ। आज का किस्सा उस टाइम का है जब मैं टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करती थी। हमारे कॉलेज में एक लड़का था, वो जो लड़का था ना वो गोलमोल था, बहुत क्यूट था। हम लोग उसको प्यार से टेडी बियर बोलते थे। वो नेचर का बहुत अच्छा था, उसको कभी नहीं बुरा लगता था कि हम लोग उसको टेडी बियर बोलते हैं। बल्कि जब भी हम उसको टेडी बियर बोलते थे तो वो स्माइल से हमें रिस्पॉन्स करता था, बोलो क्या बात है। वो सबसे मजाक करता रहता था, बहुत खुश दिल मजाज लड़का था वो, बहुत क्यूट था। गोलू मोलू सा ना, एकदम प्यारा सा सरदार, मस्त था, क्यूट था वो, पूरा टेडी बियर ही लगता था हमको। उसको देखकर ऑटोमेटिक हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। बहुत नौटंकी था वो, इतना नौटंकी था कि जब हम लोग नए नए कॉलेज में आए ना तो हमारे कॉलेज के टिफिन चोरी हो जाते थे। खाना कौन खा जाता था पता ही नहीं चलता था। तो हम लोग सरप्राइज के, क्या है ये, डेली डेली कौन खाना खा जाता है। तो टेडी बियर क्या करता था, ऐसे एकदम साऊ सा, नॉर्मल सा, इनोसेंट सा बनकर ऐसे आ जाता था। ऐसे हाथ, अपने हाथ ना वो ऐसे पीछे कर लेता था पीठ के और बोलता था, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? तो हम बोलते थे, देखना टेडी, पता नहीं कौन टिफिन खा जाता है। तो वो शाहरुख खान की स्टाइल में बोलता था, मैं हूँ ना। तो मुझे तो वो पूरा स्टाइल करना नहीं आता, लेकिन वो बहुत अच्छा करता था। तो दोस्तों, हम समझ गए कि ये टेडी का काम है। लेकिन टेडी दिल का बहुत अच्छा था। जब भी वो किसी का टिफ़िन खाता था ना, तो वो क्या करता था, कैंटीन में जाता था, जो भी कुछ खाने का रहता था, जिसका टिफ़िन खाया रहता था ना, वो टेडी उसको कैंटीन से लाके दे देता था कुछ खाने के लिए। टेडी अच्छा था, खाली मस्ती खोर था, उसको मजाक करना, मस्ती करना अच्छा लगता था और कुछ नहीं था। अब हम भी समझ गए थे, जब भी हमारा टिफ़िन खाली रहता था तो हम लोग बोलते थे, टेडी, तो बोलता था, मैं ही हूँ। तो हम लोग कुछ नहीं बोलते थे, स्माइल देके हट जाते थे, क्योंकि पता था टैडी कुछ ना कुछ खाने को भी देगा। ऐसे काफ़ी टाइम चलता रहा हमारा कॉलेज का, हंसी मजाक, दोस्तों में पार्टी शार्टी होती थी। टैडी का जो ग्रुप था ना, बहुत बड़ा ग्रुप था दोस्तों का। टैडी के ग्रुप में बहुत सारे लड़के थे, बहुत बड़ा ग्रुप था टैडी का। तो टैडी की शादी तय हो गई। टैडी की शादी तय हुई तो टैडी ने अपनी शादी में सिर्फ 2 ही लोगों को बुलाया। हम भी थोड़े सरप्राइज थे कि टैडी का इतना बड़ा ग्रुप है और सिर्फ उसने 2 लड़कों को बुलाया। चलो, टैडी की पर्सनल चॉइस है, इसमें हम तो कुछ बोल नहीं सकते थे। ठीक है, जाने दो, हमको ज़्यादा हमने क्या सोचना था, टैडी की मर्जी है, उसकी शादी है। तो टैडी ने शादी की, शादी के बाद हम सबको पार्टी भी दी। हम लोग भी खुश थे, चलो अच्छा है टैडी की शादी हो गई है। अब टैडी ने क्या किया, टैडी कॉलेज में आना बहुत कम कर दिया। टैडी ने कॉलेज में आना कम कर दिया तो एक दिन क्या हुआ, काफ़ी टाइम वो आया नहीं है। मैं कॉलेज में आई, सुबह सुबह का टाइम था, सब स्टूडेंट्स बाहर ही खड़े थे और आपस में ऐसा लग रहा था कुछ बात कर रहे हैं, फुसर फुसर कर रहे हैं। तो मैंने आके क्या किया, देखा कि कोई भी क्लासरूम में नहीं है, क्या हो गया, सब बाहर खड़े हैं। तो मैंने एक मेरे फ्रेंड को पूछा, क्या हुआ? तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि टैडी ने खुदकुशी कर ली है। मैंने बोला, है, टैडी ने खुदकुशी कर ली, अभी तो उसकी शादी हुई थी। बोले, हाँ, टैडी ने सुसाइड कर लिया है, आज ही सुबह पता चला है कि उसकी डेथ हो गई है, हम सभी उसके घर चलेंगे। मुझे दोस्तों बहुत सदमा लगा। टैडी अच्छा खासा
बहुत अमीर का नहीं है लेकिन अमीर फैमिली का लड़का था, हमेशा खुश रहने वाला, गोल मटोल, सबको खुश रखने वाला बंदा। वो उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा कभी लगा नहीं कि टैडी ऐसा कुछ कर सकता है क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव रहता था। तो टैडी ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, बड़ा अजीब लगा मुझे। तो मैंने पूछा टैडी ने सुसाइड क्यों किया। तो दोस्तों मुझे पता चला कि टैडी किसी और लड़की से प्यार करता था लेकिन उसके घर वालों ने टैडी को फोर्स किया और उसकी शादी कहीं और करवा दी है। टैडी उस लड़की को भूल नहीं पाया इसलिए टैडी ने सुसाइड कर लिया, इतना मुझे पता चला था दोस्तों। तो मुझे टैडी के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा था और अजीब भी लग रहा था कि टैडी ने ऐसा क्यों किया, उसने सुसाइड क्यों कर लिया। अगर वो उस लड़की से प्यार करता था तो उसी से शादी कर लेता ना, नहीं भी शादी करनी थी। तो मुझे बहुत अजीब लगा दोस्तों कि टैडी ने इस लड़की के जिससे उसने अभी शादी की है इसकी लाइफ क्यों खराब कर दी। पागल था, इतना क्यों उसने बुरा कदम उठाया, कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढता ना, टाइम देता अपनी लाइफ को, कुछ तो सोल्यूशन निकलता। अपना जीवन ख़त्म करके उसको क्या मिला। तो ये मेरे अंदर ही अंदर सोच चल रही थी। हम लोग सब लोग टैडी के घर पर गए। जब टैडी के घर पर गए दोस्तों तो टैडी की डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी थी। देखकर सभी स्टूडेंट्स की आंखों में आंसू आ गए। लग ही नहीं रहा था कि इतना खुश लड़का इतना बड़ा कदम उठा सकता है, ऐसे खुद को चोट पहुंचाएगा, खुद को ही ख़त्म कर लेगा। कभी सोचा ही नहीं था टैडी ऐसा भी कदम उठा सकता है। सब बहुत बुरे से रो रहे थे। जब हम लोग रो रहे थे तो सोचो उसके परिवार वालों पे क्या असर होगा। उसकी मम्मी भी फूट फूट कर रो रही थी, उसकी वाइफ भी बहुत बुरे से रो रही थी। जब मैंने टैडी की वाइफ को देखा दोस्तों मैं सरप्राइज हो गई। मैंने आपको बताया कि टैडी गोल मटोल हसमुख था, मोटा था। तो जब मैंने उसकी वाइफ को देखा ना तो मैं उसकी वाइफ को देख के हैरान रह गई। उसकी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल थी, एकदम गोरी चिट्टी अच्छी हाइट की लड़की, पतली लड़की थी और टैडी गोल मटोल सा था। बहुत प्यारी लड़की लग रही थी। और मुझे उसी टाइम पर किसी उसके रिश्तेदार आपस में बातें कर रहे थे, पता चला कि टैडी की वाइफ 2 महीने से प्रेग्नेंट है। बाप रे, जब मुझे ये बात पता चली ना मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे टैडी पे अजीब लग रहा था, टैडी पागल है, टैडी ने ये क्या कर दिया है अपनी ज़िंदगी में। पागल, अपने आप को तो ख़त्म किया उसने, 2 ज़िंदगी अपने साथ और ख़त्म कर दी हैं, उसकी वाइफ और उसका बच्चा। आप सोचिए उसकी वाइफ पर क्या बीत रही होगी, नई नई शादी हुई है, प्रेग्नेंट लड़की है, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। टैडी का ये कदम अच्छा नहीं लगा, क्यों पागल ने ऐसा किया। मैं सोच रही थी चलो ठीक है, मान लिया कि टैडी उस लड़की को प्यार करता है जिससे वो शादी करना चाहता था, परिवार वालों ने फोर्स किया, परिवार के फोर्स में आकर टैडी ने शादी कर दी। पहली बात तो टैडी के पास इतना पैसा था कि उसको इतना और ज़्यादा पैसे के चक्कर में लालच में आकर दूसरी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। जिससे टैडी की शादी हुई थी वो लड़की बहुत अमीर थी। मैं समझती हूँ कि टैडी के परिवार वालों को पैसे का लालच आ गया इसलिए टैडी की जबरदस्ती शादी उन लोगों ने की। टैडी एक लड़का था, चाहता तो अपने परिवार के खिलाफ खड़ा भी हो सकता था। परिवार में एक ही लड़का था, उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी और उसको ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब मिल ही रही थी। इतना क्या टैडी की मजबूरी आ गई जो उसने उस लड़की के साथ ऐसा किया। उसको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, वेट करता, हो सकता है कुछ ना कुछ रास्ता उसकी लाइफ में निकल जाता। चलो समझ लिया शादी भी होगी, तो शादी करने के बाद तुमने अपनी वाइफ को हाथ ही क्यों लगाया। जब तुम अपनी वाइफ को प्यार ही नहीं करते हो, तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो, तो इस लड़की को प्रेग्नेंट करने का क्या मतलब बना। आज इस लड़की का जीवन देखा, कहाँ की रही है वो लड़की। एक पति का साया जो सर पर होता है, एक औरत पर पूरी दुनिया की अलग नजर होती है। जब पति का साया सर से उठ जाता है तो दुनिया तो दूर की बात है, परिवार वालों की ही नजर अलग हो जाती है लड़की के ऊपर। वही लड़की घर के ऊपर एक बोझ बन जाती है। टैडी ने कुछ नहीं सोचा दोस्तों। मुझे नहीं पता कि हकीकत क्या है, मैंने जो सुना और देखा सिर्फ आपको वही बताया है दोस्तों। मुझे बहुत अजीब लगा ये किस्सा, मुझे उलझा हुआ ही नजर आया। अब टैडी तो है नहीं था, या फिर मेरी टैडी के परिवार वालों के साथ इतनी अच्छी से रिलेशन तो नहीं था कि मैं इस किस्से में और ज्यादा आगे जाती दोस्तों। तो टैडी के साथ ही ये किस्सा वहीं पे खत्म हो गया। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉक का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। एक आम सी कड़कती सर्दियों में
बारिश हुई और तूफान उठा। बिन मौसम के भाव का प्रभाव आसानी से समझ में आए कभी ना। बिखरे टुकड़ों को जोड़ तोड़कर नक्शा बन तो जाएगा, बस एक खास टुकड़े के ना मिलने से पहेली का शुरू और अंत धुंधलाएगा। बस एक खास टुकड़े के ना मिलने से पहेली का शुरू और अंत धुंधलाएगा।